हेलो दोस्तों, अगर आप एक ई श्रम कार्ड धारक हैं या फिर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया तो आपके पास एक SMS आया होगा। ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें, CSC या फिर ईश्रम.gov.in पर जाएं। दोस्तों, आखिर इस SMS का मतलब क्या है? आखिर सभी जितने कैंडिडेट ने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया उनके पास ये SMS क्यों आ रहा है? क्या इस SMS के आने से और हम अगर अपना एड्रेस अपडेट कर देते हैं तो क्या 1000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे? या फिर आखिर सरकार ने आपके पास SMS क्यों भेजा और आपको वर्तमान पता ही एड्रेस करने के लिए क्यों बोला गया है? दोस्तों, आखिर इन सारे सवालों का जवाब क्या है और आखिर इस SMS आने का मकसद क्या है, इस सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। और एड्रेस अपडेट कैसे करना है और इस एड्रेस अपडेट करने के बाद क्या जितना भी अमाउंट है वो हमारे खाते में आ जाएगा या फिर आने वाली जितनी भी ईश्रम कार्ड में योजना है वो हमें मिलेंगी, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको ये एड्रेस कैसे अपडेट करना है, उसके बाद हम जानेंगे कि SMS क्यों आया है, इसका क्या मतलब है, इससे हमारे बेनिफिट क्या होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट वे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने ईश्रम कार्ड में वर्तमान पता दो तरह से अपडेट कर सकते हैं। एक तो इस वेबसाइट से ईश्रम.gov.in से भी आप अपना ईश्रम कार्ड में वर्तमान पता अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर वहां पर जाकर के आप अपने ईश्रम कार्ड में अपना वर्तमान पता अपडेट करा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप खुद सेल्फ अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से कैसे अपने ईश्रम कार्ड में वर्तमान पता अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर UAN नंबर डालना है। UAN नंबर आपको ईश्रम कार्ड पर डाला हुआ मिल जाएगा, जो कि ईश्रम कार्ड पर जो नंबर होता है उसको UAN नंबर कहते हैं। वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जन्मतिथि वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से आप अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर महीना सेलेक्ट करना है, दिन सेलेक्ट करना है। ये जन्मतिथि मैंने आपको समझाने के लिए डाली है, डमी जन्मतिथि है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड सेम यहाँ पर टाइप करना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP आपके मोबाइल फोन पर आ चुका होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड UAN कार्ड। डाउनलोड UAN कार्ड पर आकर के आप अपना ईश्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेट प्रोफाइल पर जाकर के आप अपनी प्रोफाइल को ईश्रम कार्ड की अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट प्रोफाइल। उसके बाद आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए सिंपली एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा क्या आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेटा में अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं। जी हाँ, अपडेट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपका एड्रेस शो हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर दो तरह के एड्रेस दिए गए हैं, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपको इस वाले एड्रेस में संशोधन करना है। परमानेंट एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए जहां पर भी आप मौजूदा स्थिति में रह रहे हैं वहां पर, आप अगर शहर में रह रहे हैं तो अर्बन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना एड्रेस अपडेट कर देना है। अगर रूरल में रह रहे हैं तो रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां पर आप रह रहे हैं उस घर का नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको एक लोकेलिटी यानी कि जो फुल एड्रेस है वो यहां पर आपको टाइप कर देना है, जैसे क्या कौन सी गली में आप रह रहे हैं, कौन से रोड पर रह रहे हैं, कौन सा गाँव है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद स्टेट, उसके बाद जिला और उसके बाद तहसील और उसके बाद आपको पिन कोड डालना है और सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वापस बैक आ जाएंगे। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे ईश्रम कार्ड में सक्सेसफुली एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो आई होप गाइस आपने डिटेल में जान लिया कि आपको अपने ईश्रम में एड्रेस कैसे अपडेट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट क्या है और ये आखिर SMS क्यों आ रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो ईश्रम कार्ड या फिर कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए हम अप्लाई करा देते हैं, लेकिन हम कहीं रहने वाले तो कहीं और के होते हैं और एड्रेस कहीं और का डाल देते हैं, यानी कि जहां पर रहते हैं वो एड्रेस हम हमेशा डालते हैं और जहां पर प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में रह रहे हैं वो एड्रेस हम कभी नहीं डालते। सरकार ने आपसे एड्रेस मांगा है वो दो सिचुएशन के लिए मांगा है कि कई बार हम जहां पर रहने वाले होते हैं वहां का एड्रेस डाल देते हैं और जहां पर हम प्रेजेंट में इस समय रह रहे हैं वहां का नहीं डालते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको जहां पर रह रहे हैं वहां का डालना है, यानी कि जहां के रहने वाले हैं वहां का तो आपका परमानेंट एड्रेस होता है और जो वर्तमान की प्रेजेंट एड्रेस होता है जहां पर आप रहने वाले हैं और जहां पर इस टाइम रह रहे हैं वो आपको अपना ईश्रम कार्ड में डालना है। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, परमानेंट आपका आधार कार्ड यूपी का बना हुआ है और इस टाइम आप बिहार के अंदर रह रहे हैं, तो आपको जो अपने ईश्रम में अपना एड्रेस अपडेट करना है वो बिहार का एड्रेस अपडेट कर देना है। दूसरी सिचुएशन में आप रहने वाले कहीं और के और आपने एड्रेस अपने आधार कार्ड में किसी दूसरी जगह का अपडेट करा लिया है, यानी कि आप वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं या फिर
में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप जहाँ पर जाने वाले हैं, जहाँ पर आप रहने वाले हैं, वहाँ का आपको वर्तमान पता अपडेट कराना है। आखिर इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार जो भी योजना बनाती है उसके लिए सरकार को डेटा की जरूरत होती है, ताकि गवर्नमेंट जब डेटा को एनालिसिस करती है तो डेटा के हिसाब से कोई भी योजना बनाई जाती है। आपको जो वर्तमान एड्रेस है, जब सरकार के पास आपका वर्तमान एड्रेस होगा, जो आने वाली योजनाएं हैं उनको सरकार अच्छे से प्लान कर सकती है और अच्छे से आपको डेवलप करके जनता तक योजना पहुंचा सकती है। तो यही सिर्फ एक मकसद था जो कि डेटा कलेक्ट करने का। आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर जो हम एड्रेस अपडेट करा देंगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर पैसे हमारे खाते में आएंगे। ऐसा दोस्तों अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि एड्रेस अपडेट कराने के बाद आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं यहाँ पर आपको जरूर ला करके दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आयोग को दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।